Пушите. Come on, guys, with our Sibani. क्या हुआ तुम बोलना छोड़ चुके बिल्कुल अब बोलते नहीं हो इसकी तो इतनी फोटो देखी है मैंने तेरे पे कैन यू हैव वन मोर माइक प्लीज तो मैं हैट एक्चुअली पहनता हूं बट आज स्पेशली पहना है क्योंकि शक्ति से जब मैं पहली बार मिला था तो उसने मुझको कहा कि मेरे तो बाल उड़ गए इसलिए मैं कैप पहनता हूं आपके बालों का रंग मुझे पसंद नहीं है जो कलर मैंने करवाया है तो आप भी मेरे सामने प्लीज कैप पहन के आना तो किसी की बात मानता है बट थैंक यू सो मच टीचर सपोर्ट Yeah, for sure. I mean, we were discussing the other day, Abhilash aur main, hum kaafi aksar milte hain kyunki, I mean, it's not just for the sake of this occasion, we've been friends since quite some time. So, that cancer is something har ek ki family mein hai. Directly nahi to extended family mein hai, which is very scary actually. I have extended family members who are going through cancer, some or the other type of cancer. Which is very scary. I have my mom back home. She keeps scaring me. कभी कभी बोल बोल के कि अच्छा मुझे अभी ये बीमारी हो गई है छोटी मोटी को ये बीमारी हुई ये ना आगे जाके कैंसर हो जाएगा. So it's very much there in every family the fear of getting cancer because कितनी मतलब एक viral infection की जिस तरह से बात हो जाती है ना एक बहुत मतलब ज्यादा एक्सट्रीम वायरल इन्फेक्शन के उस तरह से बात होने लग गई है कैंसर के बारे में घर घर में सो इसलिए इट्स वेरी स्कैरी एंड लुकिंग एट देम आई इट्स ऑलमोस्ट डिस्टर्बिंग बॉर्डरलाइन दैट दे हैव टू गो थ्रू इट सो व्हाटएवर आई कैन डू लिटिल जितना मेरी कैपेसिटी में है आई वुड लव टू डू इट बी पार्ट ऑफ इट एंड कांग्रेचुलेशन गाइस कितने हो गए वो देखना 10 लाख क्रॉस हां वही कंग्रेचुलेशन मैंने कहा आऊंगी यहाँ पे तो जितने बच्चे होंगे देन आई वुड एंड अप एक्सटेंडिंग अ जेस्चर सेइंग चल तू भी क्या आप रखेगा बच गए कंग्रेचुलेशंस एक जेस्चर है जो हम लोग बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स चाहिए ना तुम्हें गिफ्ट्स नीचे मैं ले जाऊंगा अच्छा शक्ति इज द ओनली पर्सन बाकी सबसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ शक्ति जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ शक्ति के पापा शक्ति की मम्मी वहां पर खड़े हो रखे हैं जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है सो दीज आर अ फ्यू गिफ्ट्स वी हैव गॉट फॉर ऑल ऑफ देम तुम्हारे पास आए तुम तो आओगे ना यहाँ पर एटीट्यूड है ना ब्रो का तो ब्रो थोड़ा खड़ा होगा और स्टॉप सीक्रेट जस्ट कम ऑन गाइस कुछ नहीं मिला कट कर नहीं मिले मुझे मोबाइल देख रहा देख रहा छोड़ना आई है दो दो दुकान ये बहुत है ओके वन मोर टाइम आई वांट टू मेंशन दैट 10 लाख रुपए का जो हमारा टारगेट हमने आईसीएस को डोनेट करने के लिए लिया था वो हम लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ 6-7 डेज हमने पूरा कर लिया सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए आगे ऑलराइट सो वी गोना हैव एन ओपन सेशन नाउ सो ओके सो बिफोर दैट फोटोग्राफ प्लीज सो आप लोग खुश हो गिफ्ट से प्लीज आ जाओ सारे बच्चे के साथ बच्चों के साथ ना मैं नहीं लूंगी वहां बाद में बैठ के बाइट करेंगे हां हां फोटो 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 शक्ति के पेरेंट्स इफ यू कैन प्लीज कम थैंक
Come on, इस माई के लिए एंड स्पिरिट के लिए आई थिंक वी शुड हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज कम ऑन फोटोग्राफर साइड आ जा अश्विनी 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 धक्का मार दे इससे पहले तेरे को वेट 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 बाइक्स बैठ नीचे बैठ हां साहब बूम बूम आपको मैं टेबल लगा लो टेबल लगाना पड़ेगा टेबल लगा आपको बूम दे रहा हूं नीचे टॉप पे एकदम हाँ जी क्या करूं सेंटर में देखूं आज हाँ जी बोलिए मोबाइल राकेश कांग्रेचुलेशन बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो आपने लिया है और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने किया है मैं तो मेरे को तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा वो कहते थे चलती गाड़ी में बैठ जाते मैंने वो किया है मेरा अगर कुछ भी फायदा हो सकेगा तो देन आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट और फिलहाल तो सारा क्रेडिट इन लोगों का ही है बिगर फिल्म आपके पास एक जरूर मौका है कि अभी मीडिया के सामने आप ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जी कुछ कहना चाहेंगे कि और लोग इस कोशिश करें मैं ये बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने जो हित में हो सके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा और क्लीन और एक हेल्दी वर्ल्ड छोड़ के जाइए क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं इनकी एल्डर जनरेशन ने हमने सबने जैसे जैसा वर्ल्ड बना दिया है जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को एटलीस्ट अपने जो आपके हाथ में है कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्ल्ड एक अच्छा साफ हेल्दी वर्ल्ड बन सके ताकि आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करे नहीं तो ऐसे काउंटलेस केसेस होने लग जाएंगे आई ऑलवेज गेट इमोशनल व्हेन आई गेट टू नो थिंग्स लाइक दिस अबाउट किड्स क्योंकि होता क्या है कि सो मेनी ऑफ देम आर बॉर्न विद इट कईयों को हो जाता है अभी तो ये दुनिया इन्होंने ढंग से देखी नहीं है तो इनको ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनकी जिसमें गलती नहीं होती है वो क्योंकि उनका एनवायरमेंट इतना ख़राब है जो जिसके अंदर इन लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं वो इनकी जो एल्डर जनरेशन है उनका कंट्रीब्यूशन है ये सब करने के अंदर तो वो एक तरह का गिल्ट और एक तरीके का मतलब बहुत बुरा लगता है देख के कि शायद हम सब की वजह से आज ये है बिग एफएम जैसे मैं बिग एफएम की बात करूं उन्होंने बहुत मतलब काबिले तारीफ कदम उठाया उनके शक्ति के साथ तो बिग एफएम जैसे किसी बच्चे ने कॉल किया और इन्हें ऐसा हुआ और वो सब आ गए और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जब मैं गवर्नमेंट मशीनरी की बात करता हूं या स्टेट या सेटलमेंट मशीनरी की बात करता हूं वहां इस तरह के पर्याप्त देखिए हर एक कंट्री के ना शॉर्टकमिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं अब मैं या तो शॉर्टकमिंग को लेके बैठ जाऊँ उस पर मैं उंगली करती रहूँ और मतलब उस पर क्रिप करती रहूँ या फिर मेरे जो हाथ में कुछ अच्छा करने को है मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए मैं कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करूँ मैं ना एक आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करती हूँ मैं इस बात शॉर्टकमिंग्स हर कंट्री के अंदर होती है मैं क्या कर रही हूँ उसको मेकअप करने के लिए मेरे को उस पर ध्यान देना है मैं
उंगली उठाना उठा उठा के मैं थक चुकी हूँ, मुझे करना नहीं है। बट इवन सरकार भी जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता लगा आयुष्मान स्कीम है जो आई है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडियन कैंसर सोसाइटी इतने सालों से काम कर रही है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ICS से हमें पता लगा कि पिछले 10-12 सालों से, जब से 20 साल इनफैक्ट या शायद ज़्यादा, जब से लोग फंक्शन कर रहे हैं, लोगों को अब जाके ICS के बारे में पता चलना शुरू हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है और ICS एक है, कैटो एक है जिस प्लेटफॉर्म ने हमें हेल्प किया है, बट इसके अलावा हज़ारों हज़ार और प्लेटफॉर्म्स हैं और सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात है। फॉर इंस्टेंस आयुष्मान स्कीम, शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा आयुष्मान स्कीम क्या है, बट आयुष्मान इज टारगेटिंग दोज पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उसके बारे में जितना हम लोग बात करेंगे वहीं से वो डिस्कशन और डायलॉग शुरू होगा। सर तापसी, आप जिस चीज से जुड़ती हैं, दिल से जुड़ती है, हॉनेस्टी के साथ जुड़ती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड एक्टर्स किसी सोशल इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं तो उस इवेंट तक नजर आते हैं, उसके बाद उस एक्चुअली मैं ना इवेंट पे कम नज़र आती हूँ और मैं जो चीज़ें करती भी हूँ, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा अभी इसके बारे में बात करते हैं जो आपने किया। मतलब मेरा एक 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 अजीब सी लाइन थी, कई लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर मैं अपनी चैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो देन आई एम द चैरिटी। सो मैं वो किया नहीं है मैंने आज तक। कॉजेस वो सपोर्ट करती हूँ जिनके लिए मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ, और वो आके मैं बोलूं कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम करो, ये नहीं होता है। मैं आके बोलूंगी आप करिए, आपका दिल, आपके दिल को ये बात छूती है तो करिए। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ में कुछ, तो शायद वो मेरी बात सुनेंगे, उससे मेरा मैं क्या कर रही हूँ पीछे कैमरे के इफेक्ट नहीं होता। अभी जैसे आपने बताया अवेयरनेस की बात, काफी ज्यादा अवेयरनेस की बात हो रही है, अब पानी को लेकर भी बहुत सारे शहर हैं पानी की लेवल बहुत कम हो चुका है, तो किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को कि हम मिशन से हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं, हाँ हाँ, कि किस तरीके से पानी बचाया जाए और सरकार भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर ध्यान दे, हाँ एग्जैक्टली। मैं ये बहुत ना डरावनी चीज है, मैं इनफैक्ट घर के अंदर मैं और मेरी बहन रोज हमारा 1-2 बाई तो डिस्कशन हो जाता है इस बारे में कि ये पानी जो है वो जाने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि मैं हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा या हमारे सामने ही चला जाएगा। तो वो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना घर के अंदर, चाहे वो ब्रश करते समय पानी होता है, चाहे वो प्लांट्स को पौधा मतलब पानी देते हैं जब, तो बच जाता है थोड़ा सा उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर, जो सब्जियां साफ करने तक का जो पानी होता है वो भी यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि एक सडन झटका लगा है देख के सुन के कि शायद हमारे सामने सामने ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो जो हम कई साइंस फिक्शन तरीके की मूवीज़ में देखते हैं ना कि आगे कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम होगा जब हवा और पानी सिर्फ अमीरों के पास रह जाएंगे एंड ऑल दैट, वो अब वो हार्श रियलिटी होने वाली है, ऐसा डर लग रहा है देख के। तो अपनी तरफ से तो मतलब हमने अपने घर के अंदर जो भी कर सकते हैं या मेरी वजह से जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, सब जो लोग इस बात को लेके अवेयर हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर चेंजेस लाइए, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाइए, एक एक करके वो बूंद बूंद करके ना वो सागर भर जाएगा। थैंक यू। वो इतना बोलूंगी, मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। इससे बड़ा चैलेंज तो शायद वो भी नहीं था जब मैंने ये सोचा कि चलो एक्टिंग करके देखते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज कर ली है मैंने, बट रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ, एंक्शियस हूँ। टीजर का रिस्पांस देखने के बाद और भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है मेरे और भूमि के बीच में। सो हम अब लग रहा है दिवाली जल्दी आ जाए। हाँ मैंने उसको बोला, उसने रिप्लाई भी किया, उसके बाद उसने मेरा भूमि का दोनों का नाम लिया। हाँ एक देन यू फील स्ट्रॉन्गर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो मैं गिर जाऊंगी, बट हाँ एक साथ होता तो लगता है कि चलो ठीक है किसी ने एक्नॉलेज किया, वो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एक तरह का। जी आप बोलिए, उनको मुझे करने दें, मुझे बहुत पसंद है वो स्टोरी। Yes, I'm doing a film with Anubhav sir. Anurag also, Anubhav sir also.
अनुभव सर के साथ पहले करूंगी, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कश्यप के साथ एक मूवी करूंगी। I just love your bonding, you know, जिस तरह से आपको एड्रेस कर रहे थे, तूने लिखा, तूने वो, इस तरह से और किन लोगों से, स्पेशली द बॉलीवुड पार्ट से, किन लोगों से इस तरह की इंटरेक्शन है तापसी का? है, दिख ही जाता लोगों को ट्विटर पे मेरी इंटरेक्शन एक्चुअली इन लोगों के साथ वरुण के साथ भी है ऐसी इंटरेक्शन। इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसी इंटरेक्शन जरूर है। सबको शायद मैं तू करके नहीं बोलूंगी, बट बातें इस तरह की मैं उनसे बोल सकती हूँ, जैसे कि सुजीत दा हो गए, जैसे कि शुजॉय, अनुभव सर, अनुराग, यू विल ऑलवेज सी मी पुलिंग देयर लेग और देम पुलिंग माई लेग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, और वो रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा एक दूसरे को हम अग्रेसिवली बुली करते हैं। मतलब That's the fun, that's the way we are, because मेरी bonding at personal level मेरे सब most of मेरे directors के साथ और co-actors का बहुत अच्छी है। अच्छा, ये sense of humor कहाँ से आता है? वो जैसे हम छोले देखते हैं ना कि हाँ हाँ तातिया तोपे के पोते हो तुम, वैसे आपने कहा कि why why why, नहीं मैं अभिलाष से बहुत inspired हूँ। ये मेरे उन दोस्तों में है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त है कि मैं इसको हर बार ही बोलती रहती हूँ, तू और कुछ करना, तू और कुछ कर। सो आई थिंक ऐसे दोस्त होते हैं ना, मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं इनफैक्ट जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, और मैं पसंद करती हूँ लोगों को जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है आप दूसरों पर मजाक सारे टाइम उड़ाते हो, अपने ऊपर जो मजाक होता है वो आप कितने अच्छे तरीके से ले लेते हो, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर का हिस्सा होता है। और आई थिंक मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं उसमें, तो इसलिए मैं भी काफी अच्छी खासी हूँ। सर, कभी भी जब हम रेडियो पर कोई कैंपेन करते हैं, मीडिया में इन जनरल कुछ चीज़ें होती है, तो हम जानते हैं कि एक एक्टर या एक सेलिब्रिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो तो उसका लेवल ऊपर जाता है, अवेयरनेस उसके बारे में होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था जब हम लोगों ने ये 10 लाख रुपए भी रेज करने की कोशिश की, जितने लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि मुंबई में तो हम लोग बिग FM हैं, बट बाहर के शहर जहाँ पर की शक्ति की कहानी नहीं पहुँची है वो कैसे पहुँचेगी। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट वी वॉन्टेड समवन, इनफैक्ट हमारी पूरी प्रोग्रामिंग टीम बैठी है, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि कौन वो एक्टर्स हैं विच एक्चुअली मेक सेंस, जो कि सेंसिबल टॉपिक्स को डिस्कशन बनाते हैं। एंड दिस इज समथिंग जिसको सर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिसके बारे में डिस्कशन हो, कैंसर, बिकॉज माई सिस्टर इज गोइंग थ्रू दैट। ऑब्वियसली आई नो हर, वो तो एक एडेड एडवांटेज है ही, बट उसके अलावा यूनानिमसली पूरी टीम ने कहा हाँ तापसी, जैसे ही मैंने कहा क्या तापसी, एंड एवरी वन वॉज लाइक यस तापसी, बिकॉज वी वॉन्टेड समवन जो सिर्फ वो, जैसा एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा था कि सिर्फ इवेंट पर आके ना चला जाए, एंड आई नो हर, शी इज़ नॉट दैट सेलिब्रिटी। तो अगर वो कॉन्फिडेंस किसी के ऊपर है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने साफ दिल से कुछ किया है हमने रेडियो पर, और पूरी मुंबई ने ये अमाउंट अगर इकट्ठा किया है, देन वाई नॉट। मतलब कि यू मैटर व्हेन यू गेटिंग ट्रोल्ड, दैट मींस यू मैटर। इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रोल्ड, नोबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन यू, ना यू डोंट मैटर। मेरे को कोई ट्रोल नहीं करता ब्रो। हां, सो बस यू डोंट मैटर। लेकिन आम आदमी करते हैं, समझ में आते हैं इंडस्ट्री के कुछ लोग जिनसे जुड़े, मतलब आई मैटर टू देम आल्सो। दैट्स ऑल आई विल से। क्या बोलूं सर, जी देखिए, जैसे इस तरीके की चीजें हो, मेरे वॉइस या मेरी एक मेरी बात बोलने से अगर ये बात स्प्रेड हो सके कि एक वो जो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं अपने उस स्टेटस का अगर इस तरीके से फायदा उठा सकूं कि मेरी बात मैं कुछ बोलूंगी तो लोग सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली उठाती रहूंगी। पहले भी उठाया, जब भी मौका मिला। अपने पर्सनल लेवल पे मैं जो करती हूँ, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ, बट हाँ ये चीज़ें जैसे मैं आपको कहा, सबकी फैमिली में है, मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है ये बीमारी, तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा जो शायद मैं कैमरे के आगे नहीं बोलती। हाँ जी, आपने कहा कि वो मैटर करते हैं इसलिए ट्रोल करते हैं। हाँ जी, क्या वो आपके लिए मैटर करते हैं?
आपने मेरा जवाब देखा? देखा ना, वाई, वाई, वाई। नहीं, वो तो वरुण को किया था, आपने कोई और जवाब देखा? आई थिंक इट आंसर्स इट। अब इससे ज्यादा मतलब तो अब स्पून फीडिंग नहीं करने में विश्वास करती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सुमित, हाँ तुम बोलो भाई, तुम कैसे चुप रह गए आज? हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। ये जो सेंसिटिविटी और एम्पैथी होता है जब आप लोग कन्वे करते हैं माइक के जरिए, इसमें काफी एफर्ट लगता है या मतलब संवेदनाएं लगती हैं? यार एफर्ट तब लगता है जब कोई चीज़ आप फील नहीं करते हो, जब आप रोने की एक्टिंग तब करते हो जब आपको रोना नहीं आ रहा होता है। अगर यू फील फॉर इट, यू डोंट नीड टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू डू इट, इट जस्ट नेचुरली हैपेंस। मैं तो खुद ही, आप बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ क्या? मैं सनशाइन आप बोल रहे हो? चलो ठीक है, यूनिवर्सली। ओ वेरी नाइस सुमित, आई फील वेरी नाइस। हाँ जी, देखा बच्चों की आंखों में कितनी चमक? अरे मेरी आंखों की चमक देखी आपने? वो थोड़ी देर और रहते मैं रो पड़ती वहाँ पे। तो वो बहुत एम्बेरसिंग लगता है कि भाई मैं बच्चों के सामने रोगी कहेंगे इतनी बड़ी होकर रो रही है। ऑफकोर्स आई थिंक बहुत, पता नहीं, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद बच्चों को देख के नहीं फील करते होंगे कुछ भी उनके साथ हो रहा हो बुरा। तो पता नहीं ऐसे कौन से लोग होंगे, बट बहुत रेयर ही होंगे मुझे लगता है। आप भी बिल्कुल, मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब 10-15 साल कम हो गए आपके। अच्छा, ऐसा हो गया कहीं? क्या बात है, क्या इसी बात, मैंने 60 साल का रोल कर लिया तो मुझे 15 साल पीछे कर लो है? रियल का बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैं अभी भी कॉलेज का रोल करूंगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं है ना? पक्का ना? 15 का? चलो ठीक है, ओके। मतलब मैं स्कूल का भी रोल कर सकती हूँ अभी? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओहो सुमित, अब मैं ना यहाँ पे गड्ढा खोद के ना उसके नीचे समा जाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत एम्बैरेस कर रहे हो। प्लीज थैंक यू, थैंक यू। कई लोग पूछ रहे थे, हाँ जी, आपको शायद मतलब ये सब कहावतें लोगों की सुनती होंगी, 100 सुनार की एक लोहार की, तो आप क्या हैं? मैं तो ना, मैं दोनों में से नहीं हूँ यार, मैं एक्टर हूँ। मेरा जो आंसर है मेरी पिक्चर में दिखेगा। वो मैं बहुत बोल दिया यार, इससे ज्यादा तो मैं टाइम देने में विश्वास ही नहीं करती इस चीज को। बहुत काम है यार लाइफ में, बहुत छोटी लाइफ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ के अंदर, हाँ वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मैं प्रेफर करूंगी। और वो मिथाली राज के लिए कुछ सोच रही हूं? अरे हाँ यार, वो मिल जाए तो मतलब बड़ा मजा आएगा क्रिकेट खेल के। ये ऐसे भी आप लोग बात कीजिए, जरा मिलना चाहिए मुझे, साइन होनी चाहिए, हाँ वो मेरी पिक्चर, सारे के सारे बात करेंगे है ना। हाँ। उनको बोलो यार मेरा नाम रिकमेंड करें। चलो कोई नहीं, आप बोलना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन। फाइनल पिक्चर दे दीजिए। फाइनल पिक्चर वो कैसी होती है? थैंक यू सर, वेलकम। बोलना हां, ओके। फन फन क्या करूं, फोन देख रहा है कौन? पिक्चर देख रहा है मेरा, तो मेरा वाला देखिए। पार्टी नहीं यार, साइन नहीं गई, साइन मैंने जो करी है मैंने बता दी कश्यप की और अनुभव से। अरे भाई साइन ही नहीं करी तो कैसे? अरे चाचा जी कैसे हो, हाउ आर यू? Sorry, but I'm sorry.